विरोधी नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी की ओर से जोरदार धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए सपा MLC ने अपने आवास पर प्रधान व BDC सदस्यों के साथ बैठक की है और पूरे धरना प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देशन पर बिजली तहसील थाने समेत आदि समस्याओं से जूझ रहे लोगों को समस्या से निदान दिलाने के लिए 1 अक्टूबर को होने वाले धरना प्रदर्शन के संबंध में प्रधान BDC कार्यकर्ताओं के साथ सपा MLC अरविंद प्रताप यादव ने बैठक कर रूपरेखा तैयार करके उन सभी को उनकी जिम्मेदारी सौंपी है। बैठक में MLC अरविंद प्रताप यादव ने कहा कि थाने तहसील से लेकर बिजली विभाग से संबंधित शिकायतों को देखते हुए इन सभी समस्याओं को विधानसभा में उठाएंगे। इसके साथ ही MLC अरविंद प्रताप यादव ने आने वाले स्नातक MLC के चुनाव के लिए भी जिम्मेदारी दी है। नगर के सिरसागंज रोड स्थित MLC अरविंद प्रताप यादव के आवास पर हुए बैठक में बताया है कि सपा ने हमेशा ही गरीब किसान व असहायों की मदद की है और सपा सरकार ने बिना किसी भेदभाव को देखते हुए अपना चहुमुखी विकास कार्य किया है, जो फिर एक बार 2022 में पूरे प्रदेश में अपना परचम लहराकर जनता की सेवा करेगा। वहीं यहां ग्राम प्रधान व BDC सदस्यों ने MLC अरविंद प्रताप यादव का स्वागत सत्कार करके धान एकता को एकजुटता के लिए प्रेरित किया है, जिसके बाद ग्राम प्रधानों ने भी अपनी पंचायत व पंचायत के लोगों की समस्याओं के बारे में अवगत कराया है। पत्रकारों के खिलाफ तो ये मुकदमा लिखाए, सिविल कोर्ट में जा रहे हैं, वकील वगैरह लगाए, झूठी अफवाह, झूठी खबर। अगर कोई नेता अगर ये बात लेके चलेगा, रवि चाहे आप गांव के प्रधान हो, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, चाहे मतलब ब्लॉक प्रमुख हो, क्या एक जाति का काम करेंगे तो कभी नेता नहीं बन पाएगा। नेतागिरी की भाषा परिभाषा में नहीं आएगी। अलग बात है कि आपके सम्मान किसी का करना पड़े, लेकिन